जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कक्षा 12 में हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2024, जो कि मई जून, आपको रुक जाना नहीं, परीक्षा हो रहा है, उसका पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपका 70 अंक का पेपर होने वाला है, 3 घंटा समय लगेगा मतलब पेपर होने में, और आपको 8 पेज होने वाला है। आपको यहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में पेपर होने वाला है। आपको बायोलॉजी का पेपर है, मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको नीचे, आपको यहाँ पर थोड़ा कोड देख लेना, आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोड, ये नीचे देख सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा, आपको 231 मतलब पेपर कोड होता है, आपको मिल जाएगा आपके एडमिट कार्ड में। और आर मतलब होता है रुक जाना नहीं, माइनस टू आर मतलब कक्षा 12। सबसे पहली बात बता दूँ, यदि आप इस पेपर को केवल एक बार देख के जाते हो, याद नहीं करते हो, तो आप 50 नंबर लेकर आओगे। यदि मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छे से बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा यहीं पे एक बार वीडियो देखने में, तो 50 नंबर। यदि थोड़ा आप भी मेहनत करके याद कर लेते हो, 70/70 टॉपर बन जाओगे इसमें, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका सलूशन भी लेकर आ रहा हूँ, सलूशन थोड़ा दिखा देता हूँ। वैसे आप लोग वीडियो देखोगे नहीं बोलोगे सलूशन है ही नहीं, होता है वीडियो के लास्ट में सलूशन, तो थोड़ा सलूशन दिखा देता हूँ। इसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फटाफट इसे रट के तैयार कर लो, मैं पहले डाल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयार करें। तो विद्यार्थियों, ये देख सकते हो, मैं थोड़ा मेहनत करके सलूशन निकाल दिया हूँ, जल्दी जल्दी लिखाऊँ तो राइटिंग अच्छी नहीं आए, तो इस पर ध्यान नहीं देना। केवल आप ये देखो कि आपको क्या है इसका सलूशन, ये ध्यान दो। और आपके सामने वैसे भी मैं बता दूंगा, आपको आपके याद हो जाएगा। बाकी ये मैंने आपको सलूशन निकाल रखा है, वीडियो के अंत में बता दूंगा। ये इधर टाइपिंग द्वारा निकाला हूँ, 6 के बाद अथवा सहित निकाला हूँ, किसी किसी का 8 9, ये देख सकते हो सभी आपका यहाँ पर। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा स्क्रीन शॉट लेते जाना है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पूरा सलूशन दिखा देता हूँ। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको लास्ट में पूरा ये मिलेगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है, देरी नहीं करना है। थोड़ा मेहनत तो लगा है सलूशन निकालने में, लेकिन आप लोगों के लिए डिमांड था, कमेंट कर रहे थे पहले दो, ऐसे आपको पेपर तो अभी अभी 1 दिन 2 दिन बाद है, लेकिन तब पर भी आप लोग मांग रहे हो कि अभी दो, तो मैं दे दिया। तो ये रहा आपका सलूशन। और चलिए मैं आपको बता दूँ कि यह टॉपर स्मार्ट स्टडी आप टेलीग्राम यूट्यूब सभी जगह मिल जाएगा, PDF के लिए वहाँ पर देख लेना, ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम में डाल देता हूँ। तो चलिए मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको सलूशन दिखा दिया। आप चलिए अपना आपको दिखाता हूँ क्या पहला क्वेश्चन। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, पहले आपको रिक्त स्थान है यहाँ पर देख लेना है, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से तैयार करते जाना है। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर रिक्त स्थान मिलेगा, एक एक अंक के साथ क्वेश्चन 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, आवृत्ति बीजियों के परागकोष के की भीतरी परत खाली स्थान होती है। तो आपको यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ टेपिटम, ठीक है, आप लिख लेना, मैं बोल देता हूँ। इसके बाद आपको दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो कुछ निकलता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो आपको लिखना है कोलोस्ट्रोम आधा सा है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, बाकी लिखा लिखा है वीडियो के अंत में मिल जाएगा। मार्गन ने खाली स्थान पर काम किया था, तो फल 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 और मक्खी पे मक्खी, तो मक्खी लिखना, फल मक्खी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में खाली स्थान गुणसूत्र होते हैं, तो आपको यहाँ पे 45। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, मुख्य लसिकाब अंग खाली स्थान है, तो आपको यहाँ पे इसका वीडियो के अंत में अस्थि मज्जा आपको लिखना, अस्थि मज्जा थाइमस। इस पर कोकिन खाली स्थान से प्राप्त किया जाता है, तो कोका से कोकिन प्राप्त होता है, ठीक है। इस वक्त खाली स्थान सबसे पहला एंटीबायोटिक था, तो आपको पेनिसिलिन इसका राइट आंसर। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन इंग्लिश वाले स्क्रीन शॉट ले लेना, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है आभासी फल खाली स्थान, सॉरी आभासी फल, तो यहाँ पर सेब फल, आम, अमरूद, पपीता, तो राइट आंसर आपका सेब फल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। इसके बाद सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज हुई, तो नेपाल, कोलकाता, बांग्लादेश, लखनऊ, तो इसका राइट आंसर आपको लखनऊ हो जाएगा। लेकिन जो सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है ना, इसकी जो खोज किया था उस वैज्ञानिक के डेट पिछले वर्ष ही हुआ था, आपको न्यूज में छपा होगा, आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन आपके, प्रक्रिया जिसमें अमीनो अम्ल के बहुलक से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपको अ नंबर हो जाएगा, अनुलेखन। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे से आपको याद कर लेना है, आपको यहाँ पर देख लेना है, सॉरी कहाँ गया,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका विदड्रावल सिंड्रोम क्या है। चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में पहला नंबर आपको अल्कोहल की नियमित मात्रा का अचानक बंद कर देना, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपने नियमित उपयोग कर रहे हो अचानक बंद कर दिए वही है। यह कवक व पादपों के बीच सहजीवी संबंध कहलाता है। चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में राइट आंसर आपका स नंबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए ना बी ना राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चार ऑप्शन मिलेगा, चार ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ब विटामिन सी पे है। खालिस्तान भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा रामदेव मिश्रा। इसके बाद आपको इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लेते चले लेते चले लेते चले, कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से मैं हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। एक सर देखो आपको उत्तर लिखना है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, प्रेस क्रमांक 3 है, तो आपको यहाँ पर मैं बोल दूंगा तो आप लिख लेना। भ्रूण और गर्भाशय के मध्य संवहनी संपर्क स्थापित करने वाली संरचना का नाम लिखना होगा, तो आपको प्लेसेंटा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लिख लेना। मक्का के बीज पत्र का नाम लिखना होगा, जो कि इसको लेपन, मैं इसका लिखूं तो लंबी हो जाएगी, वीडियो के अंत में उत्तर मिल जाएगा। विकास के लिए भ्रूणात्मक समर्थक किसने प्रस्तावित किया था, तो अर्नेस्ट हेल्क, जो कि वीडियो के अंत में उत्तर मिलेगा। बीओडी का पूरा नाम लिखना होगा, जो कि आपको बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेक इसका हो जाएगा, जो कि 5 नंबर है। टेक पालीम रेट एग्जाम को किस तकनीकी में उपयोग किया जाता है, जो कि आपको इसका हो जाएगा पीसीआर टेक्निक। इसके बाद दूध को दही में परिवर्तन कर, हाँ इसका हो गया, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणुओं का नाम बताना होगा, तो इसका हो जाएगा टेक्टोबेसिलर, जो कि वीडियो के अंदर उत्तर मिलेगा। 1992 पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, ये तो पॉलिटेक्निक साइंस का सोल्यूशन, सॉरी ये आपको आ गया, इसको रियो डी जिनेवा मुख्यालय है, यहीं पे आपको इसका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक साइंस में आना था। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। इसके बाद सही जोड़ी आपको ये हो जाएगा, इसके बाद इसका क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सही जोड़ी मैं मिला देता हूँ, सही जोड़ी बहुत अच्छे से मिलाना है। पहले का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहले का आपको 6 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर, 3 नंबर का आपका हो जाएगा 4 नंबर, और 4 नंबर का राइट आंसर आपका 2 नंबर, 5 5। इसके बाद भी जाता आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 5वां नंबर देख लेना है, 5वां का आपको लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 6वां का राइट आंसर आपका, 6वां का आपको 5 नंबर कहाँ पे है ए हो जाएगा। इसके बाद 7वां का राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, तो ये भी आपको मिला दिया। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, आपको इंग्लिश वाले स्क्रीन शॉट रख लेना। और यहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 5 है। 5 नंबर यहाँ पे बोला गया है कि परागण क्या है, तो परागण आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे बता देना है कि परागण एक पौधे के परागकोष से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो अक्सर किसी भाग जैसे वायु जल अथवा पशुओं द्वारा संपन्न होता है। परागण अक्सर एक प्रजाति के भीतर होता है। विपुंसक क्या है, तो प्रसव का अर्थ, सॉरी विपुंसक आपको पूछा गया है, जो कि आपको विपुंसक वाला छोड़ देना है, मैं एक एक का बताऊंगा, दोनों का नहीं बताऊंगा। प्रसव किसे कहते हैं, इसका आपको लिख लेना है। प्रसव का अर्थ होता है जनन या बच्चे को जन्म देना, और गर्भाशय का निर्धारण काल पूरा होने पर बच्चे का जन्म बिना किसी अवरोध रुकावट के ही होना साधारण एवं सरल जन्म होता है, उसे प्रसव कहा जाता है। पात्र निषेचन से आप क्या समझते हैं, जो कि वीडियो के अंत उत्तर मिलेगा। अंडाशय के 2 कार्य लिखना होगा, जो कि आपको बताना होगा, तो अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना, मादा हार्मोन एस्ट्रोन का तथा प्रोजेक्टा स्राव करना, जो कि वीडियो के अंत उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित का सूत्र एवं नाम लिखना होगा वीडियो के अंत में। 8 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, डाउन सिंड्रोम के लक्षण लिखना होगा, तो आमतौर पर जन्म के समय डाउन सिंड्रोम वाले शिशुओं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, प्लेट चेहरा बादाम तो सेप आके उभरी हुई जीभ हाथे में लकीरें, सिर कान उंगलियां छोटी छोटी होती हैं, और बच्चों द्वारा कद छोटा होता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे सामान्य बच्चे से अलग होते हैं। बौना, जो आपको सोचा होगा बौना, किसी बच्चे को देखा होगा, उसी को इसी बीमारी से हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण लिखना होगा, जो कि 8 नंबर पे है, तो 8 नंबर का इसका हो जाएगा। हाथ पैरों में सूजन
ये थोड़ा बड़ा है तो वीडियो के अंत में लिख लेना। इसके बाद आपको अनुकूलित विवरण के उदाहरण से लेना होगा, और यहाँ पर दो शासन औषधियों के नाम लिखना होगा जो कि आपको बहुत अच्छे से लिख सकते हो वीडियो के अंत में। प्रतिरक्षा क्या है इसके प्रकारों को नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रासायनिक उत्सर्जन की अपेक्षा जैव उर्वरक मनुष्य के लिए लाभकारी है ये बताना होगा, और टीकाकरण क्या है ये बताना होगा, क्राइम जीन क्या है उदाहरण से ये बताना होगा, और जीन चिकित्सा क्या है ये बताना होगा। इसका स्व परागण एवं पथ परागण में कोई अंतर लिखना होगा। एक प्रारूपी पुष्प पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना ये मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मनुष्य में हीमोफीलिया व वंशागति का वर्णन करना होगा, ये भी मिल जाएगा। अनुवांशिकी को कोट की तीन विशेषताएँ लिखना होगा। इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा उत्तर। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो वाहन मल क्या है और बाइक मल उपचार की सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, और यहाँ पे अपघटन क्या है और अपघटन की प्रक्रिया संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके बाद आपको मिलकर यूरी में प्रयोग का संचित वर्णन करना होगा। मानव लिंग निर्धारण जैव विद्युत संचालन का सूत्र ये देख लेना है, और परिस्थिति की डिमांड किसे कहते हैं ये देख लेना है। तो चलिए आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ इसका। तो फाइनली अपने यहाँ पे सोल्यूशन देख लीजिए, पहले का सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पचवें का, छठवें का, सातवें का, इस तरीके से मैंने बोला था लास्ट में बताने के लिए। तो आपका ये सोल्यूशन रहा। दो का सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हो, पहले का आ नंबर, दूसरे का द नंबर, तीसरे का आ नंबर, चौथे का नंबर, पचवें का ब नंबर, छठवें का स नंबर, सातवें का ब नंबर, ये था ऑब्जेक्टिव। एक वाक्य में उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचवा, छठवा, सातवा। इसके बाद आप यहाँ पे सही जोड़ी देख सकते हो, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पचवें का, सीधा सीधा मिला लेना, मैं मिला दिया था। प्रश्न क्रमांक पाँच का उत्तर देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि यह प्रश्न पूछा क्या गया था और यहाँ पे उत्तर क्या लिखा गया है। तो इसका प्रश्न आपको पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, इसका प्रश्न पूछा गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक पाँच रहा। परागण क्या है, तो परागण ये आपको देख सकते हो उत्तर, और यहाँ पे अथवा नंबर है यहाँ पे प्रसव किसे कहते हैं पूछा गया था, और सात नंबर आपको अंडाशय के दो कार्य पूछा गया था। इसके बाद आठ नंबर पूछा गया था, आप देख सकते हो डाउन सिंड्रोम के लक्षण, तो ये देख सकते हो। इसके बाद आपको नौ नंबर देख सकते हो, नौ नंबर पर यहाँ पर पूछा गया था और सिकल सेल एनीमिया के लक्षण ये पूछा गया था। इसके बाद आपको दस नंबर यहाँ पर दो शासन औषधियों के नाम पूछा गया था, तो इसमें है। उसके बाद ग्यारह नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो, ग्यारह नंबर में आपको रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक की मनुष्य के लिए लाभकारी है, दो कारण देना होगा ये बताना होगा। उसके बाद बारह नंबर आप देख सकते हो कि क्राई जीव क्या है और उदाहरण से लिखना था ये। इसके बाद यहाँ पर तेरह नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर तेरह का आपको उत्तर है। इसके बाद आप यहाँ पर तेरह के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो चौदह नंबर, और चौदह नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे पंद्रह नंबर देख लेना, इसके बाद आप यहाँ पे सोलह नंबर, पूरा स्क्रीन शॉट रख लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे सत्रह नंबर है, सत्रह के बाद आपको अठारह नंबर, अठारह के बाद आपको उन्नीस नंबर हो गया। इसके बाद आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। विद्यार्थी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।